हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप पार्ट वन का स्टूडेंट हैं और अपने मोबाइल से एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है अनुक्रमांक संख्या। तो सिंपली अनुक्रमांक संख्या को यहाँ पर एंटर करना है और प्रोग्राम आपका आइडेंटिटी कार्ड में दिया होगा, आप उसको देख करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना डाटा को फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम अपना डाटा को फिल कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, तो सिंपली हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बॉक्स दिया हुआ छोटा सा, इस पर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो मेरा एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड होकर के आ गया है। तो आप भी इसी तरह से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट करवा के रख ले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको इग्नू से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।